हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग है मेरे बालों पे। देख सकते हैं मेरे बालों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए मैं अपने बालों में हेयर केराटिन ट्रीटमेंट करवाने वाला हूँ, वो भी शानुज़ सैलून में। तो चलिए फिर निकलते हैं देर किस बात की। तो ये था खूबसूरत सलोनावला का नज़ारा, जो कि आप सभी लोग देखे ही होंगे, जो कि ट्रेन में से बेहतरीन तरीके से नज़र आता खूबसूरत वादियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र कंप्लीट होने के बाद हम पहुँचे अपने होटल पे। अच्छे से होटल पहुँच जाने के बाद हम फटाफट हो गए फ्रेश। फ्रेश होने के बाद करें थोड़ी देर आराम, और आराम करने के बाद हम पहुँचे सीधा शानुज़ सैलून। शानुज़ सैलून पहुँचते ही शानुज़ भाई ने बिना देरी करे हमारा वर्क स्टार्ट किया। पता नहीं, कुछ वीडियो शूट कर रहे थे शानुज़ भाई मेरा, और अपने वर्कर्स को समझा दिए कि मेरे को कैसे कैसे तरीके से केराटिन करना है। तो फटाफट हो गया मेरा केराटिन हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट। अभी मेरे बालों का हेयर वॉश हुआ, उसके बाद में ये मेरे बालों को सुखा रहे हैं ये मैम, और ये मेरे भाई जो साइड में है बहुत अच्छे तरीके से वो हमेशा मेरे हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। अब मेरे बालों में होने वाला है हेयर केराटिन ट्रीटमेंट। देखिए, केराटिन मेरे बालों में अप्लाई कर रहे हैं ये लोग। केराटिन अप्लाई होने के बाद स्टीमिंग कर रहे हैं ये। इतनी दूर जाके केराटिन कराने का मेरा एक ही मकसद है, यहाँ पे नेचुरल और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब तक मेरे बालों को कुछ भी हेयर डैमेज नहीं हुआ, इसलिए मैं रेगुलर वहाँ पे मुंबई जाके शानुज़ सैलून में ही करवाता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से हेयर केराटिन होने के बाद शानुज़ भाई आके अच्छे से एक बार फिर से चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ बचा तो नहीं रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बालों में हेयर केराटिन हो चुका था। देख सकते हैं आप कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। अच्छे से मेरे बालों में हेयर केराटिन हो चुका है। ये देखिए मेरा आफ्टर केराटिन हेयर ट्रीटमेंट होने के बाद वाला लुक। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाल तो सही हो गए। अब थोड़ा सा शानुज़ भाई के बारे में आपको बोलते हैं। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं शानुज़ भाई के पास आ चुका हूँ। तो मेरे बालों का हेयर केराटिन हो चुका है, बहुत अच्छी से हेयर ट्रीटमेंट हो चुका है, और मैं 3 to 5 times यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि शानुज़ भाई बहुत अच्छे से हेयर केराटिन करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। मैं पहले केराटिन करने के लिए बहुत डरता था, बट यहाँ पे आने के बाद मेरा डर उड़ गया। आप सब भी आ सकते हैं, देख सकते हैं मेरे बाल थोड़ी देर पहले कैसे थे और अब कैसे हो चुके हैं। क्या बोलेंगे, अच्छा लगा ना आपको? बहुत अच्छा लगा। गाइस, बैक टू बैक हमारे पास भाई आते रहते करना, और भाई का आई थिंक बुटीक है, तो मुझे तो आइडिया नहीं है ना है लेंगे। तो अच्छे से मेरा हेयर केराटिन होने के बाद मैं आ गया थोड़ी देर चिल करने के लिए बैंड स्टैंड। तो मैंने कुछ नई चीज़ देखी, रुको मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ। यह है गोल्डन मैन, जो कि एक जगह पे 1.5 घंटे तक खड़े हो सकते हैं बिना हिले। देखिए, सबका एक अलग अलग टैलेंट है, ये बंदे का भी कुछ अलग टैलेंट है बॉस। ये बंदे के लिए तो एक लाइक बनता है। देखते हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये बंदा क्या बोलेगा। भाई कुछ बोलोगे भी? देख सकते हैं भाई, बोलेगा भाई। और भाई, कब से कर रहे हो आप ये सब? कितनी देर कर लेते हो आप ये? एक पोजीशन में 1.5 घंटे हो गए। ये भाई एक पोजीशन में 1.5 घंटे तक रह सकते कहते। देखो, हम एक जगह 5 मिनट सही से नहीं बैठ लेते। देखो, सबका अलग अलग टैलेंट है, तो भाई को सपोर्ट करो। ऐसे ही भाई मचाते रहते हर जगह, आपको एंटरटेन करते रहो। तो इसी तरह होता है हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।